हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, सवाल आपके जवाब हमारे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारे एक ख़ास मित्र जयप्रकाश कोठारी जी ने पूछा था और मुझे उनके सवालों का जवाब परसों या कल ही देना था, लेकिन मुझे टाइम ना मिल पाने के कारण मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो आज मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हों, तो आपको ज़रूर जो है आपके सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल ये है कि केंद्र सरकार के शिक्षकों के लिए छठें तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अद्यतन जानकारी TGT और PGT को पहली और दूसरी ACP एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। ACP दोस्तों, यहीं पर आप समझ लीजिए कि व्हाट इज ACP। ACP क्या है, जिसका फुल फॉर्म है एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं, तो आप सिर्फ दो चीज़ें जानते होंगे, जिसे कहते हैं चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में यही चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान को ACP नाम दिया गया है, फर्स्ट ACP और सेकंड ACP। फर्स्ट एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन और सेकंड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। साथ ही दोस्तों, आप शिक्षा विभाग में हैं, इसलिए आपको चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान आपको पता है। लेकिन अगर आप शिक्षा विभाग में नहीं होते, अगर आप सरकारी कर्मचारी होते, तो उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए ACP का रूल लागू है, जैसा रूल आपके यहाँ चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान के लिए लागू है, वैसा ही रूल जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए हर प्रदेश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ACP के माध्यम से वही बातें जो है लागू हैं। बस अंतर इतना है कि किसी किसी राज्य में जो फर्स्ट ACP है वो 10 साल पर मिलती है और दूसरी ACP जो है वो 20 साल पर मिलती है। और चयन वेतनमान आप जानते हैं कि 10 साल और 12 साल मिलता है। पहला चयन वेतनमान 10 साल, उसके बाद प्रमोशन नहीं हुआ तो दूसरा चयन वेतनमान 12 साल बाद मिलता है। अब ठीक इसी प्रकार से कुछ राज्यों ने जो है 8 साल पहली ACP जो है 8 साल पर रखा है, दूसरी जो है 16 साल पर रखा है और तीसरी जो है वो 24 साल पर रखा है, जहाँ पर जिस जो है पे बैंड में कम से कम तीन जो है वेतनमान हैं, वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति दो बार ACP प्राप्त कर सकता है। एक तो ये होगा कि हाँ, पहली बार तो जो है वो सिलेक्टेड ग्रेड में होगा, चयन वेतनमान पाएगा, जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट ग्रेड। उसके बाद दो ACP वो प्राप्त कर सकता है, फर्स्ट ACP 10 साल के बाद, दूसरी 16 साल के बाद। अगर उसके बाद भी वो सर्विस में रहता है 24 साल तक, तो उसे थर्ड ACP भी मिल सकती है। तो हर राज्यों की अलग अलग बात है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और आपको बताता हूँ कि छठा वेतन आयोग जो कि 2008 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से। वेतन आयोग 2 साल बाद आया था, लेकिन लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से। और सातवां वेतन आयोग, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय आप सभी सातवें वेतन आयोग में चल रहे हैं, तो सातवां वेतन आयोग 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तो छठे वेतनमान में शिक्षकों के वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात वो पांचवें वेतन आयोग में कहाँ पर थे, उसके बाद जो है वेतन का पुनरीक्षण हुआ, वेतन में संशोधन हुआ, छठे जो है वेतन आयोग में वेतन कुछ निर्धारित हुआ, फिर सातवें वेतन आयोग में वेतन कुछ निर्धारित हुआ। लेकिन दोस्तों, जो पे बैंड था, पे बैंड को नहीं बदला गया। अगर आप पे बैंड फर्स्ट में आ रहे थे तो आपको पे बैंड फर्स्ट में रखा गया, अगर आप पे बैंड सेकेंड में आ रहे थे तो आपको पे बैंड सेकेंड में रखा गया,
और अगर आप पे बैंड थर्ड में आ रहे थे तो आपको पे बैंड थर्ड में रखा गया, और अगर आप पे बैंड फोर्थ में थे तो आपको पे बैंड फोर में रखा गया। अर्थात छठी वेतन आयोग में आप जिस जो है वेतन बैंड में थे आपको उसी वेतन बैंड में रखा गया। अगर आप फर्स्ट में थे तो फर्स्ट में रखा गया, सेकंड में थे तो सेकंड में रखा गया, थर्ड में थे तो थर्ड में रखा गया, फोर्थ में तो फोर्थ में रखा गया। जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ तो आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग में कुछ भी जो है ना समझने वाली बात है ही नहीं है। सातवां वेतन आयोग जब लागू हुआ तो उस समय एक फिटमेंट फैक्टर जारी हुआ, और उस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपका मूल वेतन उस समय जो भी बन रहा था, डीए को हटा दीजिए, सिर्फ मूल वेतन की बात करिए, क्योंकि जो ग्रेड पे था वो छठवें वेतनमान में आया, और ग्रेड पे के साथ जो आपका वेतन बैंड था उसका जो शुरुआती वेतन था वो जोड़ दिया गया। जैसे कि मैं 4200 ग्रेड पे जिसको कहा गया उसकी बात कर रहा हूँ कि 4200 ग्रेड पे को 9300 से लेकर के 34000 पे बैंड उसका निर्धारित किया गया, वेतन बैंड उसका निर्धारित हुआ। तो जब छठवें वेतन आयोग के अनुसार आपकी 4200 ग्रेड पर नियुक्ति हुई तो 4200 प्लस 9300 कुल मिलाकर के मूल वेतन आपका हो गया 13500। ठीक है, अर्थात उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई तो उनका मूल वेतन छठवें वेतन में बना 13500। जब सातवां वेतन आया तो सातवें वेतन में एक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर दिया गया, उस फिटमेंट फैक्टर से आपके मूल वेतन को गुणा कर दिया गया, और आपका मूल वेतन जहां पर पहुंचा, एक सेवंथ पे मैट्रिक्स जारी की गई, और सेवंथ पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका जो मूल वेतन था फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने के बाद जहां पर पहुंचा, अगर कोई मैट्रिक्स उस लेवल की थी तो आपको वो दे दिया गया, अगर उस लेवल की नहीं थी तो उसके जस्ट बाद वाली दे दी गई, अर्थात 2, 4, 10, 20, 50, 100 रुपये का जो भी अंतर आया, लेकिन अगली जो है मैट्रिक्स आपको दे दी गई। अर्थात सातवें वेतन पे में, अगर आप छठवें वेतन पे में 13500 आपका मूल वेतन था तो सातवां वेतन जब लागू हुआ तो आपका मूल वेतन हो गया 13500 को 2.57 से गुणा कर दिया गया। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, गुणा करने पर आप 35400 के करीब पहुँचे। तो सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स में जो आपका लेवल जो है लेवल सेकंड और इंडेक्स वन में 35400 था, आपका वेतन निर्धारित हो गया 35400। यही हाल सबके साथ हुआ। ठीक है, तो सातवें वेतन आयोग की बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं कि एक फिटमेंट फैक्टर से आपके मूल वेतन को गुणा कर दिया गया, और आपका मूल वेतन जहां पर पहुंचा उससे कम आपको नहीं दिया गया, उससे अगला जो था वो आपको दिया गया। अब बात करते हैं छठे, जो छठा वेतन आयोग है, प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट हुई। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और वेतन विसंगति जन्म लेती है कहाँ से? छठवें वेतन आयोग से। तो चलिए हम एक छोटा सा पीडीएफ, एक छोटा सा जो है स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं, उसी से आपको सारी बातें समझा देंगे। बाकी अगर आपको पढ़ना है, पूरी बात जानना है, तो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ जो कि भारत सरकार का गजट है। जब छठा वेतन आयोग आया तो क्या क्या संशोधन हुए, वो सारी की सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको सारी बातें समझा दूंगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, वो छोटा सा उदाहरण आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है वो छोटा सा उदाहरण जो भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ था। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भारत सरकार का वो गजट भी दे रहा हूँ, उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड करके अगर आपके पास समय है तो पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। कहीं पर कोई अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा,
और हम आपको वो बातें जरूर समझाएंगे। सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए कि दिनांक 1/1/2006 अर्थात 1 जनवरी 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती रिक्रूटों के लिए संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन अर्थात दोस्तों 1 जनवरी 2006 से छठा वेतनमान आया और छठे वेतनमान के तहत जो सीधी नियुक्ति थी उसमें किसके लिए क्या निर्धारित किया गया पहले ये जान लीजिए। वेतन बैंड वन में जो है जो पे बैंड है वो था 5200 से 20,200 रुपये। जो वेतन बैंड वन है उसमें 5 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी का जो आपका जो है ग्रेड पे है वो 1800, दूसरी कैटेगरी का ग्रेड पे 1900, तीसरी कैटेगरी का ग्रेड पे 2000, चौथी कैटेगरी का ग्रेड पे 2400 और पांचवी कैटेगरी का ग्रेड पे 2800 था। अर्थात वेतन बैंड वन में ये 5 कैटेगरी थी और इन 5 कैटेगरी में जो वेतन बैंड छठे वेतन आयोग में बना वो पहली कैटेगरी के लिए 5200, दूसरी के लिए 5830, तीसरी के लिए 6460, चौथी के लिए 7510 और पांचवी के लिए 8560 ये निर्धारित किया गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद जिसका ग्रेड वेतन 1800 बना था उसे मूल वेतन मिला 7000, जिसका ग्रेड वेतन 1900 बना था उसे मूल वेतन मिला 7730, जिसका ग्रेड वेतन 2000 था उसे मूल वेतन मिला 8460 और जिसका ग्रेड वेतन 2400 था उसे मूल वेतन मिला 9910 और जिसका 2800 था उसे मूल वेतन मिला 11360। अब यहीं से छठा वेतन आयोग शुरू हो गया। अब इसी पर जो है आपकी आगे डीए लगेगा, इसी पर आगे आपका जो है वेतन वृद्धि लगेगी। आप जिस ग्रेड वेतन में हैं उसी ग्रेड वेतन का जो कुल वेतन हुआ अर्थात जो आपका मूल वेतन हुआ उसी मूल वेतन पर आपका डीए लगेगा, उसी मूल वेतन पर आपकी वेतन वृद्धि लगेगी और इस क्रम में आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये तो बात रही वेतन बैंड वन की। जो वेतन बैंड टू निर्धारित हुआ, वेतन बैंड टू में 3 कैटेगरी थी जिसका ग्रेड वेतन था 4200, 4600, 4800 जो कि प्रायः जो है प्राथमिक विद्यालयों में होता है। प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी टीचर, प्राइमरी का हेड टीचर या जूनियर का सहायक और जूनियर का हेड टीचर, ये 3 ग्रेड थे। तो 4200 जो होता है वो प्राइमरी का सहायक होता है, 4600 जो होता है वो प्राइमरी का हेड या जूनियर का सहायक होता है, 4800 जो होता है वो जूनियर का हेड होता है। तो वेतन बैंड टू में 3 वेतन निर्धारित किए गए, 3 ग्रेड वेतन निर्धारित किए गए। इसी के सापेक्ष आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4200 वाले को 13,500 मिला छठवें में, 4800 वाले को 17,140 मिला और 4600 वाले को 17,140 मिला और 4800 वाले को 18,150 मिला। अब यहीं पर रुक करके थोड़ी सी संवाद समझ लीजिए जो उत्तर प्रदेश में वेतन विसंगति है वो क्या है। केंद्र सरकार ने छठवें वेतन आयोग में यह व्यवस्था कर दी, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की थी। तो जब राज्य के शिक्षक संघों ने आवाज़ उठाई तो केंद्र सरकार से परामर्श मांगा गया, तो केंद्र सरकार ने कहा कि सीधी भर्ती पर जो वेतन दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति पदोन्नति के माध्यम से आ रहा है उस जो है ग्रेड वेतन पर तो उसे सीधी भर्ती के बराबर वेतन दे नहीं होगा। न्यायालय में मामला गया, बहुत हो हल्ला हुआ, कोई बात नहीं माना। अंततोगत्वा 20 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषित किया कि अगर आप कोई व्यक्ति आपके सामने
अगर मान लीजिए कि आप 4200 से 4600 ग्रेड पे पर पदोन्नत हो गए हैं या चयन वेतनमान के माध्यम से पहुंच गए हैं और उस समय सीधी भर्ती होती है जूनियर विद्यालयों में, तो जूनियर का जो टीचर आ रहा है अगर वो आपसे ज़्यादा वेतन पा रहा है तो आपका वेतन उसके बराबर कर दिया जाएगा। अर्थात कनिष्ठ का जो वेतन है वरिष्ठ के वेतन से ज़्यादा है तो वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ के बराबर कर दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई। अब बाद में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और जो शिक्षक संघ है उसके विरोध के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी कि चाहे वो सीधी भर्ती से कोई व्यक्ति आ रहा है चाहे वो प्रमोशन से कोई व्यक्ति आ रहा है, दोनों को बराबर वेतनमान दिया जाएगा। अर्थात अगर 4600 ग्रेड पर कोई सीधी भर्ती हो रही है तो उसका मूल वेतन 17140 होगा। अगर 4800 ग्रेड पर पेपर कोई सीधी भर्ती हो रही है तो उसका मूल वेतन होगा 18150। और 4200 पर तो सीधी भर्ती होती है, तो 4200 पर होती है, 4600 पर होती है, 4800 पर अभी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टीजीटी का जो वेतन है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो वेतन है, उसकी प्रथम नियुक्ति कहाँ पर हो रही है, 4600 पर हो रही है, तो उसे मूल वेतन 17140 मिल रहा है। पहला जब उसको CPC मिलेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा 4800 पर। जब वो 4800 पर पहुँच जाएगा तो उसका मूल वेतन हो जाएगा 18150। दोस्तों मैं अभी छठवें वेतन की बात कर रहा हूँ। 4800 ग्रेड पे का जो व्यक्ति है उसका मूल वेतन 18150 पहुँच जाएगा। अब बात आती है सातवें जो है वेतनमान की, तो सातवें वेतनमान में जो व्यक्ति जिस जो है पे बैंड वेतन बैंड में था उसे उसी वेतन बैंड में रखा गया। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस समय सेकेंड ACP प्राप्त कर लिया, यानी 4600 ग्रेड पे उसकी नियुक्ति हुई 4600 पर, पहली ACP हुई 4800, उसके बाद उसकी दूसरी ACP उसने प्राप्त कर लिया और दूसरी ACP में कहाँ पहुँच गया, वो 5400 पर पहुँच गया। यहीं पर ध्यान दीजिए, नियुक्ति हुई 4600 पर, 8 साल या 10 साल बाद पहली ACP लगी, पहुँचा 4800 पर, दूसरी ACP लगी, पहुँचा कहाँ, 5400 पर। अब यहाँ पर 5400 जो रखा गया है वो वेतन बैंड 3 में रखा गया है, वेतन बैंड 3 में 5400 रखा गया है। तो सीधी सी बात है कि वो बंदा जो है सातवें वेतन आयोग में भी इसी की मांग तो करेगा कि हमें 5400 चाहिए, लेकिन कौन वाला, वेतन बैंड 3 वाला। तो उसने वेतन बैंड 3 की मांग किया और वो वेतन बैंड 3 जो है आपके 7th पे मैट्रिक्स में जो लेवल 10 है, लेवल 10 में पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लाई है, टीचर है, अगर वो TGT पर नियुक्त हुआ है तो निश्चित तौर पर अगर वो दूसरी ACP अपना प्राप्त करता है तो दूसरी ACP प्राप्त करने पर वो लेवल 10 में पहुंच जाएगा। ठीक यही बात लागू होती है किसके लिए, PGT के लिए लागू होती है। अब इसी पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PGT की नियुक्ति जो है किस लेवल पर हुई, किस ग्रेड वेतन पर हुई। अगर PGT के ग्रेड वेतन पर जो है उसकी नियुक्ति हुई, अगर उसका दूसरा ACP लगेगा तो वह भी जो है कहाँ पहुँचेगा, वेतन बैंड 3 में पहुँचेगा। और वेतन बैंड 3 जो है वो 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 10 से शुरू होता है। तो इसका मतलब यह है कि वेतन बैंड 2 में जो 5400 दिया गया है वो केंद्र सरकार के अधीन TGT के लिए कोई माने नहीं रखता है, चाहे TGT हो चाहे वो PGT हो,
वेतन बैंड 2 का जो 5400 है वो कार्मिकों के लिए है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, वह शिक्षकों के लिए नहीं है। शिक्षक अगर वेतन बैंड 2 को क्रॉस करता है, 4800 से ऊपर बढ़ता है, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे उप प्रधानाचार्य हो, अगर वो 4800 से ऊपर बढ़ेगा तो सीधी नियुक्ति कहाँ पहुँचती है, वेतन बैंड 3 में पहुँचती है। और केंद्र सरकार ने यही चीज़ लागू कर दिया कि सीधी नियुक्ति से जो प्राप्त वेतन है और प्रमोशन के पश्चात जो प्राप्त वेतन है, दोनों को जो है एक ही वेतन बैंड में रखा जाएगा। लेकिन राज्य सरकार अभी तक यह लागू नहीं कर पाई है, इसीलिए 17,140 18,150 की वेतन विसंगति बनी हुई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर आप इसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को आप टच करेंगे, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा भारत सरकार का गजट, जो कि 6ठे वेतन आयोग पर आधारित है। उसे एक एक शब्द पढ़ करके आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।